हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम रेनू मैम, अच्छे से जानते हो आप मुझे, संस्कृत मैम। ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठमाला भाग एक, पाठ छ, षष्ठ पाठ, धातु क्रिया च, रूट एंड। जिस शब्द से हमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाती है। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, समझते हो ना आप, वर्ब, जिसे वर्ब बोलते हैं आप, ये क्या है, क्रिया होती है। जैसे कि लिखना, चलना, बोलना, खाना, दौड़ना, हंसना, कूदना, भागना, ये सब क्या है, क्रिया हो रही है हमारे द्वारा। और इन क्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। धातु क्या होती है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे कि लिखना, तो इसका क्रिया का शब्द रूप, शब्द जिसका मूल रूप क्या होगा, लिखने का मूल रूप क्या होगा, लिख, लिख से होता है लिखना, ठीक है। और पढ़ना, पढ़ना का मूल रूप क्या होगा, पठ होता है, जिसे कि हम पढ़ना कहते हैं। और अब आप ये देखिए बच्चों की संस्कृत में क्रियाओं के तीन पुरुष होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। कौन कौन से होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखना बच्चों कि लिंग परिवर्तन करने से धातु के रूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब भी हम लिंग परिवर्तन करते हैं तो धातु रूप में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप ये देखिए, गई माने होता है गाना, ये धातु है गई, गई माने गाना होता है। इसके रूप कैसे चलते हैं, गायति, गायतः, गायन्ति, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फिर ये चलेंगे मध्यम पुरुष में गायसी, गायथ, गायत, उत्तम पुरुष में चलेंगे गायामी, गायाव, गायाम। अब आप ये देखिए, इसमें ये प्रथम पुरुष में चल रहे हैं, लड़की गाती है, बाला गायति, एक लड़की गाती है। अब दो लड़कियां गाती हैं तो क्या हो गया, बाले, लड़की में तो बाले हमने उसके द्वि, उसका द्विवचन लगाया है, यहाँ भी धातु वही चलेगी, परिवर्तन नहीं होगा। और गई को हम उसके गायति, गायतः, तो गायतः हो जाएगा, यहाँ बाले गायतः। अब बहुत सारे लड़कियां गा रही हैं तो बाले, बाला, बाले, बाला, तो बाला गायंती, लड़कियां गाती हैं। अब लिख धातु है, ये बच्चा लिख रहा है, एक लड़का लिख रहा है, तो ये छात्रः लिखती, छात्र लिखता है। दो लड़के लिख रहे हैं यहाँ पर, तो छात्रः, छात्रौ, छात्रौ। अब लिख तो बदलेगा नहीं, उसका हम वचन बदल देंगे, केवल लिखतः, लिख, छात्रौ लिखतः। अब यहाँ है बहुत सारे बालक लिखते हैं, तो छात्राः लिखन्ति, यानी कि बहुत सारे बालक लिखते हैं। अब यहाँ है गम धातु है, गम का मतलब होता है जाना, तो उसके रूप चलते हैं गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। अब जैसे एक लड़की जा, एक आदमी जाता है तो उसमें है जनः, गच्छति, आदमी जाता है। दो लोग जा रहे हैं, जनऊ, गच्छतः, दो आदमी जाते हैं। अब बहुत सारे आदमी जाते हैं, यानी कि अनेक आदमी जा रहे हैं, तो क्या है, जनाः, गच्छन्ति, बहुत सारे आदमी जाते हैं। खाद धातु है, खाद धातु मीन्स खाना, जैसे शुकः खादति, क्या है, तोता खाता है। अब दो तोते खाते हैं तो क्या करेंगे, शुकौ खादतः। अब बहुत सारे तोते खाते हैं तो बच्चे उसको बोलेंगे शुकाः खादन्ति, यानी कि बहुत सारे तोते खाते हैं। तो शुकः, शुकौ, शुका, ये तो हमने उसके रूप में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हो गया। अब यहाँ पर हम धातु रूप में खादति, खादतः और खादन्ति, तो इस प्रकार हमने बच्चों जाना यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमारा है धातु कौन सी है, धाव, धाव धातु का मतलब होता है दौड़ना, दौड़ना की धातु कौन सी होती है, धाव। ये कौन दौड़ रहा है, हिरण दौड़ रहा है, हिरण दौड़ रहा है, यानी कि मृग, मृग कहते हैं हिरण को, एक हिरण दौड़ता है तो मृगः धावती। अब यहाँ दो हिरण दौड़ रहे हैं तो मृगौ धावतः, दो हिरण दौड़ रहे हैं। अब बहुत सारे हिरण दौड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मृगाः धावंती, बहुत सारे हिरण दौड़ रहे हैं। अब कुछ बच्चों यहाँ बहुत सारी धातुएं हैं और उनके रूप कैसे चलते हैं ये आपको जानना है। जैसे गई माने धातु होता है, गई का मतलब होता है गाय भी होता है वैसे तो गई, पर यहाँ धातु होती है गाना, गई का मतलब होता है गाना। और इसके रूप कैसे चलते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, गायति, गायतः,
गायंती। एक वचन प्रथम पुरुष, एक वचन द्विवचन और बहुवचन में चलते हैं ये रूप। ऐसी वद धातु है, वद माने बोलना है, वदती वदतः वदंती। ऐसी रक्ष धातु है माने रक्षा करना, रक्षति रक्षतः रक्षंती। पत धातु माने गिरना, पतती पततः पतंती। और यह है घ्रा धातु यानी कि सूंघना, जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रंती। पाठ में आई हुई कुछ एक्सरसाइज करते हैं बच्चों, अभ्यास कार्य करते हैं। पहली एक्सरसाइज है, प्रश्न ये संस्कृत में दिए हुए हैं, आप इसको हिंदी में भी इसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न क्या है, क्रिया या का परिभाषा, क्रिया की क्या परिभाषा होती है। जिस शब्द से हमें, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रियाया मूल रूपम किम अस्ति, क्रिया का मूल रूप क्या है, क्रिया का मूल रूप है धातु। किम लिंग परिवर्तन क्रियाया रूपम परिवर्ति, क्या लिंग के परिवर्तन से क्रिया का रूप बदल जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि लिंग परिवर्तन करने से क्रिया का रूप नहीं बदलता था, तो हम लिखेंगे नहीं, क्रिया का रूप नहीं बदलता है लिंग परिवर्तन करने से, बिल्कुल वैसा ही रहता है। दूसरी एक्सरसाइज है बच्चों हमारी, कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। जो विकल्प दिए हुए हैं जो सही है उन पर सही का निशान लगाना है। जैसे पहला है वद, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा। प्रथम पुरुष लट लकार, लकार भी धातु में 5 लकार होते हैं बच्चों, इसमें हमारा अभी लट लकार पूछ रहे हैं। ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में वदतः वदती वदंती, प्रथम पुरुष और बहुवचन में तो यहां आ जाएगा वदंती। रक्ष लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन में यहां आएगा रक्षंती रक्षति, यहां आएगा रक्षतः रक्षति रक्षतः रक्षंति चलता है ना, तो रक्षतः द्विवचन में आएगा। गर्ज धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, गर्जंती गर्जतः गर्जति, यहां गर्जति आएगा क्योंकि गर्जति गर्जतः गर्जंती ऐसे रूप चलते हैं। तो इस प्रकार ये हिंदी में अनुवाद करना है। एक्सरसाइज हमारी नेक्स्ट है बच्चों, दो छात्र लिखते हैं बालाः गायन्ति अनेक लड़कियां गाती हैं जनः गच्छति आदमी जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा शुकौ खादते, शुकौ कौन है, दो तोते खाते हैं। तो इस प्रकार हमने ये वाली एक्सरसाइज करी बच्चों। अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है कि चित्रों को देखकर उचित क्रियापद चुनकर उनका लिखना है। हमें चित्र देखना है और उनका क्या क्रियापद, जैसे ये अकेला बालक है और ये क्या कर रहा है, ये लिख रहा है, तो हम यहां लिखेंगे छात्रः लिखति। ये क्या कर रही है कन्या, गा रही है, बाला गायति। ये मृगौ दो हिरण है, ये क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हम यहां करेंगे धावतः, दो हिरण दौड़ रहे हैं धावतः। अब हमारा नेक्स्ट है एक्टिविटी कार्य बच्चों, क्रिया को दिखाने के लिए 5 चित्र आप अभ्यास में से देखकर पुस्तक में से 5 क्रिया वाले चित्र, कौन सी क्रिया क्या कर रहे हैं, दौड़ रहा है, खा रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, घूम रहा है, देख रहा है, ये कोई भी 5 चित्र आप बनाएंगे और उसको अपनी होमवर्क की कॉपी में बनाकर अपने अध्यापक और अपनी अध्यापिका को दिखाएंगे। ये आपका रचनात्मक कार्य गृह कार्य के लिए है। अभी आपने बच्चों पाठ में जाना कि किस प्रकार आपने रूप धातु
और रूप के बारे में जाना। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।